है गाइज दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड इथम्ब्यूटॉल पायराजीनामाइड और रिफाम्पिसिन तो किसका एडवर्स इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी तो so, हमने एंटी टीबी ड्रग में देखा था न्यूरोपैथी इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर आइसोनियाजाइड आई एन एच कॉज करता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी एंड इसके लिए इसके साथ में विटामिन बी सिक्स पायरेडोक्सिन को देते हैं देन आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है तो इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ये होता है आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर होता है ठीक है और इसमें पायरेडिन रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड कंटेंस पायरेडिन रिंग और ये सभी होते हैं फर्स्ट लाइन एंटीटिबी ड्रग इथम्ब्यूटोल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस पायराजीनामाइड में पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है एंड रिपम्पिसिन आर एन सिंथेसिस इनिबिटर होता है एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है ठीक कर है नेक्स्ट क्वेश्चन रूबेला वायरस इज एसोसिएटेड विद डिसीज इंटेरोस इन्फेक्शन ब्रुसेलोसिस येलो फीवर प्रोग्रेसिव इंसेफिलिटिस तो ये रूबेला वायरस प्रोग्रेसिव इंसेफिलिटिस से एसोसिएटेड होता है ऑप्शन डी विल बी ऑर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास सेल डिग्रेनुलेशन मास सेल स्टेबिलाइजेशन ग्लूकोट्रेन एंटागोनिज्म ग्लूकोकोटिकोट रिसेप्टर एगोनिज्म तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है मास सेल स्टेबिलाईजर सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर मास सेल स्टेबिलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज मास सेल स्टेबिलाइजेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं जाफिर लुकस्ट मॉन्टीलुकास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द बीटाल एक्टमेजिनिबिटर ग्रीसियोफोलविन सल्फा मिथोक्साजोल क्लाउलैनिक एसिड और टेट्रासाइक्लिन तो इनमें से कौन सा होता है बीटा लैक्टमेज एक्टमेजिनिबिटर तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में हमने देखा था क्लाउलैनिक एसिड सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम सो ऑप्शन सी विल बर करेक्ट आंसर क्लाउलैनिक एसिड देन ग्रीसियोफलविन आता है एंटीफंगल ड्रग्स के अजोल्स क्लास में

तो इनमें से कौन सा है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेस इनिबीटर तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेस इनिबीटर होता है इंड्रोफोनियम ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इंड्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्ट्रेस इनिबीटर और यह डायग्नोस्टिक एजेंट होता है फॉर मैस्तिया ग्रेविस यह रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबीटर होता है इंड्रोफोनियम और यह सभी इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है नियोस्टिकमाइन पायरेडोस्टिगमाइन इंड्रोफोनियम फाइसोस्टिकमाइन ये सभी इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनर्जिक ड्रग है न्योस्टिक भी यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्तेनिया ग्रेविस और यह पायरेडोस्टिक होता है लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनस्ट्रेज एंड इसे भी माइस्तेनिया ग्रेविस में यूज़ करते हैं यह फाइसोस्टिक होता है मायोटिक और इसे ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और यह एंटीडॉट होता है इन बेलाडोना पॉइजनिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोफिलिया ए इज अ डिसीज कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर एट फैक्टर टू फैक्टर सेवन और फैक्टर फाइव तो इसका हो जाएगा फैक्टर एट ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ फैक्टर एट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम दी कोए रिडकटेज इज इन्वॉल्व इन दैथोजेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस अल्जाइमर डिसीज रेनल फेलियर पार्किसन डिसीज तो इनमें से किसकी पैथोजेनेसिस में एच एम जी को रिडकटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो ये इन्वॉल्व होता है इन दी पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर एथेरोस्क्लेरोसिस देने अल्जाइमर डिसीज क्या है तो अल्जाइमर डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन के डिक्रीज होने से एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के डिस्ट्रक्शन से होता है अल्जाइमर डिसीज एंड इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एक्रीडिन का एक्रीडिन होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेस ठीक है यानी पार्किस डिसीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन दी ब्लड एंड लिवोडोपा कार्बीडोपा बेनेसेराइड ब्रोमोक्रिप्टिन प्रेमिपेक्जोल सेलीजेलीन एंटाकैपोन टोलकैपोन एमेंटेडिन ट्राह एक्जिलफेनेडिन प्रोसाइक्लिडिन ये सभी एंटी पार्किसेंस ड्रग्स होते हैं यानी रेनल फेलियर मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है सीमेटेडिन का सीमेटेडिन जो एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है उसका लॉन्ग टर्म यूज में कॉज रेनल फेलियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पेरेंटल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल एच आई वी रेबीज और पोलियो एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल ऑप्शन ए विल बी ऑर करेक्ट आंसर पेरेंटल पेमोइट एंटी नेमेटोड होता है एसकेरिस हुक्म में इसका यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्सिसिटी ऑफ एंड एंटी मलेरियल ड्रग क्वीनाइन इज कॉल्ड एज ग्रे बेबी सिंड्रोम एक्जोपटेलमिक गॉइटर सिंकोनिज्म अल्कोहोलिज्म टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनाइन तो क्विनाइन की टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं सिंकोनिज्म ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर टॉक्सिसिटी ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनाइन इज कॉल्ड एज सिंकोनिज्म क्विनाइन होता है क्विनोलिन क्विनोली से यह डिराइव होता है इसकी फैमिली होती है रूबियासी एंड ये एंटी मलेरिया ड्रग होता है देन फोर अमाइनोकिनोलिन होता है क्लोरोक्विन ये प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन एट अमाइनोकिनोलिन होता है प्राइमाक्विन देन ए ग्रे बेबी सिंड्रोम इज रिपोर्टेड विथ क्लोराम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जीडो इज ए क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट हर्ब्स ग्रुप वायरसेस पोलियो वायरस रेबीज वायरसेस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस एच आई वी इन्फेक्शन तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं जीडो का तो ये जीडो क्या है तो जीडो उडिन है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज इनिबीटर जीडोवडिन देन स्टाउडिन साइटाराबिन डेडानोसाइन एबेकावीन ये सभी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबीटर्स एंड जीडो उडिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी वायरस एच आई में यूज करते हैं जीडोवुडिन का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हैज हाई इमिटोजेनिक पोटेंशियल विन क्रिस्टिन क्लोराम ब्यूसिल सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन और सिस्प्लाटिन तो हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल होता है सिस्प्लाटिन का ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर सिस्प्लाटिन हैज हाई इमेटोजेनिक पोटेंशियल मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी होती है सिस्प्लाटिन की ठीक है ये विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन होते हैं विनके एल्क्लोइड एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ माइक्रोटुल फॉर्मेशन क्लोराम ब्यूसिल आता है एल्कुलेटिंग एजेंट में यह अमाइनोफिनाइल ब्यूटेरिक एसिड होता है क्लोराम ब्यूसिल सिक्स मर्केप्टोप्यूरिन होता है एंटी मेटाबोलाइट यह प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है एंड मर्केप्टोप्यूरिन इज मेटाबोलाइज बाय जैंथिन ऑक्सीडेज ये जैनतीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरिब्रल मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज क्विनाइन मेफ्लोक्विन क्लोरोक्विन पायरीमिथेमाइन प्लस सल्फाडॉक्सिन तो इनमें से कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरिब्रल मलेरिया तो यह होता है क्विनाइन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था क्विनाइन होता है सिंकोना एल्कोलॉइड देन ये मेफ्लोक्विन होता है क्विनोलिन मिथेनॉल क्लोरोक्विन होता है फोर अमाइनो क्विनोलिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्सोफ इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एस्टेमिजोल लोराटाडिन टर्फेनाडिन सेट्रीजिन तो किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फैक्सोफिनाडिन तो फैक्सोफिनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंटीस्टामाइन्स हैव एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट डायफिन हाइड्रामाइन सिप्रोहेप्टेडिन फिनिराइन सिनारीजिन तो इनमें से कौन से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है तो ये होता है सिप्रोहेप्टेडिन का ऑप्शन बी विल बी ब्यर करेक्ट आंसर सिप्रो हैज एपेटाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट एंड यह सिप्रोहेप्टेडिन होता है पिपरीडिन डेरिवेटिव पिपरीडिन डेरिवेटिव होता है सिप्रोहेप्टेडिन डाइफिन होता है अमाइनो अल्काइल इथर फीनरामाइन होता है अल्किल अमाइन डेरिवेटिव देन सिनारीजिन होता है पिपराजिन डेरिवेटिव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग डायमर कैप्रोल पेनिसिलामाइन कैल्शियम डायसोडियम इडिटेट डी टी पी ए डाइथिलिन ट्रायामाइन पेंटाइसिटेट तो किसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज करते हैं डायमर कैप्रोल का ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर लेड पॉइजनिंग में यूज करते हैं कैल्शियम डाइसोडियम इडिटेट का ठीक है देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का अल्कोहल पॉइजनिंग में यूज करते हैं आईवी इथेनॉल एंड फोम्पिजोल का देन आता है साइनाइड पॉइजनिंग इसमें यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट सोडियम थियोसलफेट का आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं डेफेरोक्सामाइन का देन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में क्या यूज करते हैं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन प्रेलोडोक्सामाइन का बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में फ्लूमाजेन का देन में यूज़ करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक एंटीडोट इन पैरासिटामोल पॉइजनिंग इज फ्लूमाजेन सोडियम बाइकार्बोनेट एन एसिटाइल सिस्टीन मिथिलिन ब्लू तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था पैरासिटामोल पॉइजनिंग में यूज करते हैं एनएसिटाइल सिस्टिन का ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर एन एसिटाइल सिस्टिन का यूज करते हैं एज एंटीडोटिन पैरासिटामोल पॉइजनिंग फ्लूमाजनिल का यूज करते हैं बेंजोडाइजेपाइन पॉइजनिंग में सोडियम बायकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा नेक्स्ट क्वेश्चन डाइसोडियम क्रोमोगलाइकेट इज यूज बाई वीच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ओरल इन्हेलेशन इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट तो इसे देते हैं इनहेलेशन रूट से ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट इनहेलेशन इंट्रावेनस सबक्यूटेनियस ओरल तो क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओमालीजुमैप तो ये हो जाएगा सबक्यूटेनियस ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय सब क्यूटेनियस रूट Okay, friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.